और ये यूनिवर्सल लॉ है। इट इज़, आपको पता है यूनिवर्स में रिसाइकिलिंग का लॉ होता है। कोई भी चीज़ बनती है, एग्जिस्टेंस में रहती है, रिलीज हो जाती है, फिर बनती है, फिर उसका पंचतत्व में विलीन, कहते हैं ना बॉडी होती है बनती है फिर पंचतत्व में विलीन हो जाती है, फिर उसी तत्वों से नई क्रिएशन चलती है। ये यूनिवर्सल लॉ है, रिसाइकिलिंग का यूनिवर्सल लॉ है। एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, ट्रांसफॉर्म करो, रिलीज़ करो, एक्सेप्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, रिलीज़ करो। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एक्सपीरियंस आया, एक्सेप्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म किया मतलब उसमें क्या लेसन था वो लिया, सीखा, रिलीज़ किया। दिस इज़ हाउ आप यूनिवर्सल लॉ के फेवर में चलोगे, यूनिवर्सल लॉ के अलाइनमेंट में चलोगे। जब आप यूनिवर्सल लॉ के अलाइनमेंट में चलोगे तो आपके ब्लॉकेज बनेगा ही नहीं, आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज बनेगा ही नहीं। और जिन जिन फीलिंग्स को, थॉट्स को, इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को, मेमोरीज को, इवेंट्स को आपके सिस्टम ने, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो कि ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरे साथ घट चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे सिस्टम का पार्ट है, जैसे ही आप ये एक्सेप्टेंस करते हो, आपकी बॉडी तो स्पंज की तरह है, आपका माइंड स्पंज की तरह, अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट किया, इलिमिनेशन का प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, हीलिंग का प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएटली स्टार्ट, कुछ करना नहीं पड़ता, आपको बस एक्सेप्ट करना है, फिर बाकी काम तो प्रकृति कर देगी, बाकी काम यूनिवर्स कर देगा। जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो रोक रखा था वो आपने रोक रखा था, यूनिवर्स तो चाह ही रहा है उस चीज़ को आपकी बॉडी में से बाहर निकालना, उस चीज़ को, एक्सपीरियंस को आपकी लाइफ से रिमूव करना। आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया और क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है, तो आप अपने ट्रॉमा के साथ, अपनी मेमोरीज के साथ फाइट मत करो, उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करते ही हील होना शुरू हो जाएगा।